दीपावली त्योहार के लिए अब कुछ ही दिन शेष है और प्रयागराज के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। शहर की विभिन्न दुकानों जैसे सराफा, कपड़ा, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। खरीदारी करने वालों के कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि दीपावली का जश्न किस कदर लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक बाजार में गहमागहमी बनी रहती है, जहां हर कोई इस शुभ अवसर के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी और पटाखों की खरीदारी कर रहा है। दीपावली त्योहार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर मानने की वजह से व्यापार एक दिन ज्यादा होगा। धनतेरस 29 और 30 अक्टूबर को बताया गया है। जैसे जैसे दीपावली का दिन करीब आता जा रहा है, बाजारों में भीड़ और बढ़ती जा रही है। विशेषकर रविवार को खरीदारी करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। माता पिता अपने बच्चों के लिए नई पोशाकें खरीदने के साथ साथ घर को सजाने के लिए आवश्यक चीजें भी ले रहे हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। इसके लिए पिछले कई दिनों से खरीदारी भी हो रही है। बच्चों को लेकर पालक दुकानों में कपड़े एवं अन्य सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। खरीदारी और रविवार होने की वजह से सड़कों में भी भीड़ दिखाई दी। दीपावली का त्योहार केवल दीयों और मिठाइयों का नहीं, बल्कि खुशी और समृद्धि का प्रतीक भी है। इसी उपलक्ष्य में लोग अपने घरों को सजाने और पारिवारिक समारोहों की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस दौरान न केवल बाजारों की रौनक बढ़ती है, बल्कि लोगों के चेहरों पर खुशी और उत्साह भी झिलमिलाता है। पड़ोस के और रिश्तेदारों के साथ मिलने, जुलने और उपहार देने की परंपरा भी इस त्योहार का अहम हिस्सा है, जो बाजारों की रौनक को और बढ़ा देती है।